लब्धि सार अर्थसंग्रह के अधिकार लेक्चर नंबर 3 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह श्री सपना सार गर्भित लब्धि सार का अर्थ संदृष्ट अधिकार है। उसमें भी हम पृष्ठ संख्या है 491 सूत्राए 491। ये हिंदी अनुवाद का पृष्ठ संख्या मैं यहाँ बता रही हूँ। हमने अपकर्षण और उत्कर्षण संबंधी अति स्थापना निक्षेप की बात देखी। अब यहाँ स्थिति कांडक धात जो होता है उसकी चर्चा चल रही। स्थिति कांडक धात का अर्थ क्या होता है? तो जो सत्ता में निषेक पड़े निषेक रचना है उसमें से ऊपर के अनेक निषेक के परमाणु एक एक समय में थोड़े थोड़े करके एक छोटे अंतर्मुख में वो सभी निषेकों का पूरा घात हो जाता है और उसके परमाणु नीचे के निषेकों में आने लगते हैं। उसको हमने व्याघात भी कहा था पहले। अब यहाँ उसमें अलग यानी वो परमाणु के नीचे आते कहाँ दिए जाते हैं निक्षेप उसको हमने देखा था, परंतु उसमें क्या वो स्थिति कांडक कितना बड़ा होता है, कितनी स्थिति होने पर कितना स्थिति कांडक होता है, क्या स्थिति के एक एक भेद के लिए कांडक का प्रमाण भी बदलता है क्या नहीं बदलता है, ये प्रश्न। तो कहते हैं स्थिति एक समय से घटी तो क्या कांडक भी घटता है? तो नहीं। स्थिति एक समय घटी, दो समय घटी, तीन समय घटी, ऐसी संख्या समय तक घटी गई तब तक कांडक का प्रमाण उतना का उतना रहता है। फिर स्थिति और घट गई तो फिर कांडक का प्रमाण एक समय से घटा, यानी अनेक स्थिति भेदों के लिए कांडक का प्रमाण उतना का उतना रहता है। ये इसमें से बात हो जाती है क्योंकि स्थिति किसी की जघन्य होती किसी की पुष्ट होती है। जब कांडक शुरू होना है उसके पहले क्योंकि यहाँ तो विषय अपना प्रथम सभ्यक प्रकार चल रहा है, अपूर्वकरण से एक तो स्थिति कांडक बना, एक स्थिति कांडक भाग प्रायगलब्धि में हो जाता है, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह जाता है। अब जब जीव अपूर्वकरण में आता है तो अपूर्वकरण में ऐसे स्थिति कांडक भाग हर अंतर्मुख में होते ही रहते होते ही रहते होते ही रहते, तो ऐसे एक एक बार कितना होता है तो पल्ले का संख्या का भाग इतना घटता है। परंतु यहाँ जब अपूर्वकरण शुरू हुआ है किसी की स्थिति अधिक है किसी की कम है, क्योंकि हर एक जीव की स्थिति तो समान नहीं पाई जाती है, तो ये कम और अधिक स्थिति होती है तो उसके लिए कांडक का प्रमाण कितना होता है उसकी बात यहाँ समझा रहे हैं। तो कांडक का यानी किसकी स्थिति कितनी है तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, और किसी की स्थिति कितनी है अंत कोड़ा कोड़ी सागर ही है परंतु उसका संख्या कम है। जैसे अंत कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़ के छोटा यानी करोड़ गुना 80 लाख होगा, करोड़ गुना 60 लाख होगा, करोड़ गुना 40 लाख होगा, वो क्या है सारे अंत कोड़ा कोड़ी के ही भेद है आयु को नहीं देना, आयु छोड़कर अन्य सात कर्म, क्योंकि यहाँ तो ये तो स्थिति कांड घात सभी सात कर्मों में होते हैं। तो किसी की स्थिति अधिक है किसी की कम है तो इन्हें वो संख्या गुणा का डिफरेंस है, जघन्य से उत्कृष्ट संख्या गुणा दोनों के लिए शब्द क्या होगा अंत कोड़ा कोड़ी सात। जैसे 100 से कम उसको हम कहेंगे अंत 100 अंत शत, तो 20 भी 100 से छोटा है और 80 भी 100 से छोटा है,
तो 20 से 80 संख्या गुणा है, ऐसे यहाँ पर भी समझ। तो जो जघन्य है उसके लिए संख्या पल्ल्य करेंगे, और जो उत्कृष्ट है उससे संख्या गुणा है, दो बार संख्या गुणित पल्ल्य, ये उत्कृष्ट सूत्र। अब यहाँ तो पहले ये समझाया कि स्थिति के भेद कितने होते हैं, टोटल स्थिति के भेद कितने हैं, तो टोटल स्थिति के भेद कितने हैं, तो हम उसके प्रमाण लाने के लिए एक तरीका, हमें उत्कृष्ट पता है, हमें जघन्य पता है, तो जघन्य और उत्कृष्ट में से, यानी उत्कृष्ट में से जघन्य को बात करें और एक मिला दें, कि हमको जघन्य को भी गिनना है और उत्कृष्ट को भी गिनना है। जैसे मान लेते उत्कृष्ट 10 है और जघन्य 4, तो भेद कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 4 को भी गिनना है और 10 को भी गिनना है। तो उसका तरीका क्या है, पहले 10 में से 4 बाद करो, माइनस करो, 6 आ गए, इसमें एक मिला, इतने भेद हो गए टोटल, है ना, आसान है ये समझना। अभी हमने उत्कृष्ट भेद कौन से देखे स्थिति के, तो दो बार संख्या गुणित पल्ले, पल्ले के लिए हम वो लिखते हैं, कल हमने देखा था ये संख्या कितनी है, एक बार हुआ, ये दो बार हुआ और ये पल्ले, ये क्या है स्थिति का उत्कृष्ट भेद है, दो बार संख्या गुणित पल्ले उत्कृष्ट स्थिति। अब जघन्य स्थिति कितनी है, तो एक बार संख्या गुणित पल्ले, संख्या पल्ले। अभी इसको हमें माइनस करके लिखना है और उसमें एक मिला, तो माइनस करने का पहला तरीका याद है क्या, हमने बहुत युवकांड में भी पढ़ा था, कर्मकांड में भी पढ़ा था, इसको देखने के पहले हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम ऐसे आपको बताएंगे, 5 × 4 × 4 और उसमें से माइनस करना है 5 × 4, तो उत्तर कितना होगा, 7 करके देखो, 25 × 4 = 80, 80 में से 5 × 20 माइनस करना है, कितने रह गए, 60 रहे, तो 60 रह जाएगी ना, तो हमको 5 × 4 की भाषा में लिखना है, कितने रह जाएंगे, 5 × 4 × 3 बराबर है, ये आसान है ना समझने में। हमने क्या किया, 5 × 4 × 4 है, 5 × 4 है, तो उसमें से माइनस कर देना है, तो माइनस कर देना है तो क्या करना है, 5 × 4 × 3 करना है। मैंने हमने क्या किया, ये जो अंतिम जो 4 है यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या आपको, डायरेक्ट निकालना है, तो इसके लिए तरीका क्या है, जहाँ गुणकार में होते हैं ऐसे गुणाकार रूप में, 5 × 4 × 4 में से 5 × 4 ये कॉमन है, तो जब कॉमन इसमें से माइनस करना है, तो जो रिमेनिंग फिगर है उसमें से एक माइनस करें, 4 के ऊपर हम एक माइनस की साइन करेंगे, यानी 4 के बदले यहाँ 3 लिखेंगे, तो हमारा गणित बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा लिखने के बदले हम केवल यहाँ एक कम की साइन करेंगे, कल में ये मेथड अब हम अपने गणित में लगाएंगे इसको। अपना गणित क्या कर रहा था, दो बार संख्या गुणित पल्ले माइनस संख्या गुणित पल्ले, अभी कॉमन क्या है, इतना कॉमन, अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है गुणा उसका, उसके ऊपर एक माइनस की साइन करेंगे, तो इसका अर्थ ऐसा होगा, इसको तरफ ना, और आगे वाला जो है संख्या की चिन्ह, उसके केवल उसके ऊपर एक कम की साइन करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस हुआ, इतना बड़ा झमेला लिखने की जरूरत नहीं है और बताने कहने की भी जरूरत नहीं, इतना लिख देने से उसका अर्थ है, तो हमें उसमें एक और मिलाना, जैसे हमने 10 में से 4 माइनस किया उसमें एक मिलाया था,
अब इसमें एक मिलाना है तो पूरे फिगर में एक मिलाना है, तो पूरे फिगर में एक मिलाना है तो क्या करें, प्लस वन की साइन करेंगे या जो उसके ऊपर, तो प्लस वन की साइन करने के लिए पूरे के ऊपर एक लाइन लिख देते हैं और ये वन प्लस की साइन है, ये वन माइनस की, ये वन प्लस की। अभी पुस्तक में देखें ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, जो कल हमने पढ़ कर छोड़ा था ना, हमने बोला था कल आपको समझाएंगे। 491 पृष्ठ पर ये नया पैराग्राफ जो शुरू होता है, स्थिति कांडक के व्याख्यान में, ये बात गाथा 77 में आई है, पृष्ठ संख्या 79 पर, किसी जीव की जघन्य स्थिति संख्यात पल्ले मात्र ऐसे, ये संख्यात पल्ले के जो निशान अभी हमने बनाया था, किसी जीव के उससे संख्यात गुणी उत्कृष्ट स्थिति ऐसी, दो बार संख्यात से गुणित पल्ले, उत्कृष्ट में से जघन्य घटाने के लिए आगे के संख्यात में से, यानी सेकंड जो संख्यात है उसमें से एक घटाकर, हमने क्या किया कि दूसरे संख्यात में से एक घटा लिया, और सर्व में एक अधिक करने का, पूरे फिगर में एक अधिक करना, कहीं ये लाइन यहाँ से इतनी की तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, पूरा जो आता है उसमें एक प्लस करना है, तो लाइन कहाँ से कहाँ तक निकालनी है वो सब बहुत महत्व की बात है। इसमें बहुत हमें तकलीफ हुई है, जो कंप्यूटर में करते समय हमें तो उसका अर्थ मालूम है, वो करने वाले को मालूम नहीं है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लेके वन प्लस कर दिया, इसका अर्थ क्या है, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, ये क्या हुए सारे स्थिति के भेद, ये कहाँ की बात चल रही है, प्रथमोक्षण समय को प्राप्त करने के लिए जो अपूर्व कर्म तक पहुँचा है उसमें किसी जीव की स्थिति थोड़ी कम है, किसी के अधिक है, तो स्थिति के सभी भेदों की यहाँ चर्चा है, तो इतने सारे टोटल स्थिति के भेद हैं, तो यहाँ ऐसा लिख दिया है। तो हमने संख्यात पल्य को एक कम संख्या से गुणा किया और सबके ऊपर वन प्लस की साइन किया, इसके संख्यात वे भाग मात्र नाना जीवों के, नाना जीव ने अनेक जीव, क्योंकि अलग अलग जीव अपूर्वकर्म परिणाम में आए, अभी समय को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसके स्थिति कांडक भेद, क्योंकि प्रोपोर्शन क्या है स्थिति कांडक का, प्रमाण कितना है सत्व के अनुसार, जितनी स्थिति लंबी उतना कांडक बड़ा, स्थिति छोटी कांडक छोटा, तो जैसे स्थिति के भेद है वैसे कांडकों के भी भेद होंगे, परंतु एक एक समय स्थिति कम होती है उसके लिए अलग अलग कांडक नहीं होगा, ग्रुप ऑफ स्थितियों के लिए कांडक का प्रमाण उतना ही, तो टोटल जिस स्थिति के भेद हुए इन्हें संख्या संख्या देने समझो ना, चार स्थिति भेदों के लिए एक ही सेम ही कांडक होता है, तो हमने जो इतने स्थिति के भेद देखे उसमें कांडक का प्रमाण कितने होगा, इसके चौथे भाग प्रमाण होगा, नहीं समझ, अभी हमने देखा था स्थिति के भेद टोटल मान लेते, स्थिति के भेद कितने हैं, तो कोई भी फिगर ले लो 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्थिति भेद 100 है, और हर पांच के लिए, पांच स्थिति भेदों के लिए एक एक कांडक होता, कांडक की वैल्यू उतनी होती है, तो पांच भेदों में एक है ना, तो 100 में कितने हो गए, तो 20 हो गए टोटल, या उस कैसे किए, हमारे पास 100 भेद हैं और पाँच में एक एक होता है, तो ये 100 को हम 5 से भाग देंगे, तो हमारे पास ये सारे स्थिति के भेद हैं, और संख्यात स्थिति भेदों के लिए एक ही कांडक होता है, तो हम क्या करेंगे, ये सबको संख्या से भाग देंगे, तो ये टोटल स्थिति भेद डिवाइडेड बाय संख्या, तो डिवाइडेड बाय संख्या, तो ये सभी गुण होते हैं, इसके नीचे हम संख्या का चुनाव, तो ये सब मिलकर कांडकों के भेद हुए, नंबर ऑफ अलग अलग कांडक अलग अलग जीवों की अपेक्षा से, किसी का कांडक छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है, किसी का थोड़ा बड़ा है और किसी का और थोड़ा बड़ा है, एक एक समय के डिफरेंस, ये पुस्तक में लिखा देखो, इसके संख्यात वे भाग मात्र नाना जीवों के स्थिति कांडक भेद ऐसे होते हैं। अब किसी को दृष्टांत के द्वारा छोटी संख्या लेकर समझाएंगे और उसके संदृष्टि बनाएंगे, उसका चिन्ह बनाएंगे,
चिन्ह से समझने में बहुत आसानी होती है, हमें वो चिन्हों के अर्थ समझना चाहिए, बस इतना है। तो इसके लिए अभी ये संदृष्टि बताते हैं। यहाँ त्रैराशिक बताएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था त्रैराशिक, तो यहाँ क्या लिखते हैं, प्रमाण राशि स्थिति कांडक के भेद। अभी मैंने जो 100 और 5 की बात देखी, तो कांडकों के भेद हमने 20 देखे थे। त्रैराशिक क्या होता है? त्रैराशिक वही अभी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख के देती हूँ आपको बताती हूँ, उसको त्रैराशिक कहेंगे। तीन राशि मारो, मैं चौथी राशि निकाले, उसको कहते हैं त्रैराशिक। अभी जो मैंने यहाँ समझाया था, हमने स्थिति के भेद 100 माने और कांडक के भेद हमने लौकिक में बताएंगे। हाँ, लौकिक का उदाहरण 5 हो गया, लौकिक का ही बताऊंगी मैं। और कांडक के भेद कितने माने हमने, 20। 5-5 स्थिति भेदों के लिए कांडक आया था ना, तो 20 कांडकों के भेदों में स्थिति के भेद कितने होते हैं, तो 100। तो एक में कितने हो गए, 20 में 100, तो एक में कितने, 5। या लौकिक में हम देखते हैं ना, एक डजन आम के लिए कितने रुपए मिलते हैं, कितने रुपए होते हैं अभी, 600। मैंने 12 के लिए 600, तो एक आम के लिए कितने, 50 रुपए हुए ना। इसको क्या कहते हैं, त्रैराशिक। स्कूल में सीखेंगे नहीं हम, ऐसा साइन लिखते थे, बिकॉज मैंने क्योंकि 12 आम के लिए 600 रुपए, इसलिए एक आम के लिए कितने, तो क्या करते थे, इसका इसका गुणनफल करते थे और इसके बाद। अब इसको केवल हम क्या, इसको क्या कहना, तो ये है प्रमाण राशि, ये है फल राशि, फल राशि एक है प्रमाण राशि, ये है फल राशि, ये इच्छा राशि, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कितने रुपए लगेंगे, इसको इच्छा राशि कहते हैं। और ये पूरा गणित की जो पद्धति है उसको कहेंगे त्रैराशिक। तीन राशि हमें मालूम है, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि, और हमें ये लब्ध राशि निकालनी है। तो हम क्या करते थे, ये तो ये इच्छा और ये फल, इच्छा राशि से फल राशि को गुणा करके प्रमाण राशि से भाग देते थे, तो हमें ये लब्ध राशि का प्रमाण मिलता है। यह प्रमाण राशि, यह फल राशि, यह इच्छा राशि, और जो निकालनी वो है लब्ध राशि। तो ये तो हम स्कूल में तो बहुत तीसरी क्लास में पढ़े याद, तो अभी हमें ये निकालने, ये हमारे टोटल स्थिति के भेद है इतने, और उसको संख्या का भाग देने पर यह है कांडकों के भेद, इतने कांडकों में कितने स्थिति में, तो एक कांडक में कितने हो गए, ऐसा त्रैराशिक होगा। मैं उसको देख लिया हूँ, देखो पहले पढ़ेंगे इसको। यहाँ प्रमाण राशि स्थिति कांडक भेद, अभी हमने स्थिति कांडक भेद देखे थे संख्या का भाग देकर, फल राशि स्थिति भेद, स्थिति भेद यानी स्थिति के भेद, हमने उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करके एक मिलाया था, उतने स्थिति के भेद। इच्छा राशि एक, एक का अर्थ क्या, एक कांडक में स्थिति के कितने भेद होंगे। तो लब्ध राशि संख्यात स्थिति भेद आते, ये वाक्य पूरा करने में उठती है मेरी ओर से, क्योंकि त्रैराशि करने पर हमें लब्ध राशि निकालनी है। तो संख्यात स्थिति भेदों में एक कांडक भेद आता, यानी एक एक स्थिति कांडक किसको कहना, स्थिति के जो अलग अलग भेद, एक एक समय से बढ़ते हुए स्थिति के अलग अलग भेद, जिसमें कांडक का प्रमाण उतना का उतना रहता है, उसको कहेंगे स्थिति कांडक। करने की बात वो घात वाली बात नहीं है, कितने स्थिति भेदों के लिए कांडक का प्रमाण उतना ही रहता है, तो उसको कहेंगे स्थिति कांडक का। अब इसको अंक संदृष्टि द्वारा पहले समझा, अंक संदृष्टि ने काल्पनिक संख्या लेकर समझाएंगे, और फिर आगे चलकर यथार्थ समझाएंगे, तो उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। हमें पहले पता ही है
ऐसे ट्रायंगल लिखते तो उसका अर्थ क्या है? विशेष विशेष बहुत अच्छा विशेष क्वेश्चन। तो हम ऐसे अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग स्थिति के भेद उनकी स्थिति को दिखाने वाले ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल लिखे नीचे लिखे उसका अर्थ क्या है? स्थिति के अलग अलग भेद। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम? स्थिति कांडक हो ये जघन्य स्थिति है। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ उत्कृष्ट भेद होगा स्थिति का भेद। तो ऐसे इसमें कांडक भी अलग अलग होंगे हर एक के अपना अपना कांडक की वैल्यू है। तो आगे लाइन है वो क्या बताती है? कांडक एक कांडक ग्रंथ हुआ कांडक का प्रमाण कितना है वो साइड में लिखा। जैसे किसी के सात स्थिति है किसी के आठ है किसी के नौ है वो छोटी छोटी संख्या लिखा। तो कांडक का प्रमाण कितना है सबके लिए? एक एक। तो कांडक का प्रमाण एक यानी सात हो या आठ हो या नौ हो एक उसका कांडक का प्रमाण। अब आगे का स्थिति भेद कितना होगा? दस ग्यारह बारह है ना। एक कांडक होकर ये दस ग्यारह और बारह उसमें कांडक का प्रमाण कितना होगा? अभी एक समय से बढ़ेगा। पहले तीन स्थिति भेदों के लिए कांडक का प्रमाण वही का वही था। आगे के तीन स्थिति भेदों के लिए कांडक का प्रमाण एक बढ़कर दो दो हो जाएगा। अब आप ये पुस्तक देखना देखो यहाँ क्या लिखा है कि बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ लिखे हैं और उसमें पहले दूसरे और तीसरे में सात आठ नौ लिखा है और उसके ऊपर हर एक के ट्रायंगल के ऊपर राइट साइड में एक 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 लिखा है तीन भेदों में यानी वहाँ कांडक का प्रमाण एक है। फिर दस ग्यारह बारह के लिए दो दो और दो लिखा है यानी एक समय बढ़ गया। तो तीन भेद नौ क्या है? स्थिति के भेद स्थिति ये स्थिति सात है इसकी आठ है इसकी नौ फिर भी कांडक का प्रमाण एक 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 है। ये समझाने के लिए बहुत छोटी संख्या वहाँ लिखी। दस ग्यारह और बारह के लिए एक समय अधिक बढ़कर दो 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 हो गए। तेरह चौदह और पंद्रह के लिए दो में और एक बढ़ा है तीन तीन और तीन हर एक का प्रमाण कांडक का तीन है। ये सब स्थिति कांडक स्थिति कांडक का यानी पहला एक भेद है एक वाला स्थिति कांडक दो वाला स्थिति कांडक तीन वाला स्थिति कांडक चार वाला और पाँच वाला। स्थिति कांडक के भेद कितने हैं? पाँच ही और स्थिति के भेद कितने देखे हमने कितने हो गए? स्थिति के भेद कितने हैं? इक्कीस तो नहीं सात से शुरू हुए पंद्रह है क्योंकि हमने क्या देखा एक एक कांडक के लिए तीन तीन स्थिति भेद है और हमारे पास कांडक कितने हैं कांडक के भेद कितने हैं? तो पाँच है। इक्कीस में से सात माइनस करो एक प्लस करो चौदह है चौदह में एक मिला है पंद्रह हो गए यानी स्थिति के भेद पंद्रह है और कांडक के भेद पाँच है। ये बात ख्याल में आती है? देखो एक 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 फिर दो 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 तीन 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 चार 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 पाँच 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 ये उन्नीस बीस और इक्कीस के लिए पाँच पाँच और पाँच है प्रमाण से। अब ये तो काल्पनिक संख्या यथार्थ में जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति हमने जघन्य स्थिति देखी थी एक बार संख्या गणित कर ली यानी अभी यहाँ पर हम इसके बदले सात लिखा है ना उसके बदले यहाँ ट्रायंगल करके जघन्य स्थिति कितनी होगी तो यहाँ लिख ले संख्या कर ली उसके वहाँ क्या लिखा है वो बात में बताएंगे। यह है संख्या और उत्कृष्ट स्थिति क्या हुई दो बार दो बार संख्या से गुणित कर तो ये यहाँ होगी दो बार संख्या गुणित कर। अब इसी को कैसे लिखा है उन्होंने यह है अंत कोड़ापुरी ये भी अंत कोड़ापुरी है परंतु ये संख्या तो आम भाग है तो इसके लिए यहाँ लिखा है ये दो बार संख्या गुणित कर के बदले यहाँ लिखा है अंको दो यानी अंत कोड़ा कोड़ी ये दिख रहा है क्या दूसरा नहीं दिख रहा है। अंक
वो दो करते क्या अंत कोड़ा कोड़ी। अब ये भी अंत कोड़ा कोड़ी है परंतु उसका संख्या तो हमारा, तो इसको कैसे लिखेंगे? अंक दो और उसका संख्या का बाद में चौथा बाद में लिखी फॉर एग्जाम्पल। अभी ये पहला ट्रायंगल देखो, इसमें सात के बदले क्या लिखा है? अंक दो डिवाइडेड बाय चार यानी अंत कोड़ा कोड़ी का चौथा भाग। और यहाँ कांडक का प्रमाण एक लिखा था, वहाँ कांडक का प्रमाण कितना है? तो पल्ले का संख्या अथवा भाग। ये ट्रायंगल के बाजू में लिखा है। अब नीचे की फिगर देखो, इसको कहेंगे अर्थ समृष्टि यानी यथार्थ संख्या। जघन्य स्थिति भेद है, अभी यह ऐसा ट्रायंगल दिया है और कांडक का प्रमाण कितना है? तो स्थिति का प्रमाण कितना है? अंत कोड़ा कोड़ी का चौथा भाग यानी संख्या का। और उसमें कांडक का प्रमाण कितना है? पल्ले का संख्या का। ये बात ख्याल में आई? क्योंकि हमने देखा था कि तन्मूक्षण सम्यक्त्व में अपूर्वकरण शुरू होता है तो हर बार पल्ले का संख्या का भाग संख्या का भाग संख्या का भाग इतनी स्थिति घटती चली जाती है। इसे बहुत सारे स्थिति कांडक के बाद में होते हैं। तो ये पहले समझ में है, तो फिर आगे की बात समझो। अंत कोड़ा कोड़ी का चौथा भाग यानी संख्या का भाग और वहाँ कांडक पल्ले का संख्या का भाग कांडक का भाग। अभी यहाँ स्थिति एक समय से बढ़ी फिर भी कांडक उतना ही रहेगा। स्थिति के कुछ भेदों के लिए कांडक उतना का उतना रहेगा। तो स्थिति का दूसरा भेद कितना होगा? इसमें एक समय अधिक, तो इसमें प्लस वन समय कैसे लिखेंगे? अंको दो डिवाइडेड बाय चार और सबके मिलकर प्लस वन और ऊपर यही पल्ले का संख्या का भाग लिखेंगे। उसके आगे के त्रिकोण में क्या लिखेंगे? प्लस टू प्लस थ्री। एक लिखा नहीं है, लिखा नहीं है परंतु बीच के भेद समझने के लिए धीरे धीरे यानी एक एक समय के बढ़ते हुए स्थिति के भेद हो गए। परंतु उसमें सब में पल्ले का संख्या तो भाग इतने ही हो क्योंकि इसे संख्या भेद हो गए उसके लिए कांडक का प्रमाण उतना ही। यहाँ तक ख्याल में? अब आगे चलकर कांडक का दूसरा प्रमाण कितना होगा? जैसे यहाँ एक 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 था फिर एक समय से बढ़कर दो 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 हो गए। अभी पल्ले का संख्या के भाग में एक समय और बढ़ा तो उसके बाद जो यहाँ पर बीच में हो गए उसमें क्या लिखेंगे? कांडक का प्रमाण कितना होगा? पल्ले का संख्या का भाग प्लस वन। आप पुस्तक में देखा तो यहाँ लिखा है, देखो बीच में नीचे अंत कोड़ा कोड़ी का संख्या का भाग और उसके ऊपर संख्या समय लिखे। यहाँ एक समय बढ़े, एक समय बढ़ा, दो समय बढ़े, तीन समय बढ़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने हुए? तो कितने संख्या समय बढ़े यानी हमको ये इसके ऊपर हम यहाँ संख्या की साइन करेंगे आगे बढ़कर। यहाँ लिखिए वो नीचे अंत कोड़ा कोड़ी का संख्या का भाग प्लस संख्या समय और ऊपर पल्ले का संख्या के भाग में एक समय बढ़ गया, ये दूसरा कांडक का भेद हुआ। ऐसे ही कांडक के भेद होते चलेंगे, पल्ले का संख्या का भाग प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे कांडक के भेद होते चलेंगे। अब आगे कुछ चल कर फिर बीच में बिंदी 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 यानी इसी पद्धति से बढ़ते चले जाए। फिर देखो पहले दो छोड़े, दूसरे दो छोड़े, अभी तीसरे दो लिखे। नीचे क्या लिखा है? अंको दो माइनस संख्या यानी पृष्ठ में से संख्या समय कम, ऐसा स्थिति का कोई पर्टिकुलर वे हम देख रहे हैं। तो उसमें कांडक का प्रमाण कितना होगा? ये लास्ट बट वन कांडक दे रहे हैं, अंतिम कांडक का प्रमाण कितना है तो हम ये इसको समझ सकते हैं। एकदम लास्ट वाला उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति भेद कितना है? अंत कोड़ा कोड़ी और उसमें कांडक का प्रमाण कितना होता है? तो पृथक सागर यानी सात या आठ सागर, इसको कहते हैं पृथक सागर। पृथक यानी कुछ,
वो कुछ का प्रमाण अलग अलग जगह अलग अलग होता है, उसकी कुछ फीस वैली नहीं है। ये सात और आठ में ऑब्लिक साइन चाहिए? नहीं, ये उन्होंने, ये उनकी संदृष्टि है ना, तो उनको समझाना है। सात या आठ के बीच में भी लकीर करेंगे हम तो सात और आठ का डिफरेंस क्या में आ जाएगा। जैसे आगे चलकर पुस्तक में तो उन्होंने सात और आठ के बीच में भी लकीर की है, जो संदृष्टि में उन्होंने नहीं बनाई। आगे के पृष्ठ पर 492 नीचे की लाइन देख लो, वहाँ तो सात और आठ के बीच में लाइन डाली है। 493 पेज पर भी वो खड़ी लाइन डाली है। खड़ी लाइन का अर्थ गुणाकार होता है? नहीं नहीं, कहीं कहीं अलग अलग। तिरछा डालेंगे तो अच्छा है। हमारी संदृष्टि नहीं चलती। ओरिजिनल पुस्तक में क्या लिखा है उसको कैसे पढ़ना, ये बात है। इसीलिए पंडित डॉक्टर जी ने लिखा है, जो संदृष्टि मैंने वैसी ही रखी है। कंफ्यूजन होवे वो बात नहीं, क्योंकि हमें विषय समझना है। विषय पढ़ते हैं तो उसकी संदृष्टि भी ख्याल में आती है। क्योंकि हमने कभी देखा, कभी आवली के लिए दो लिखते हैं, कभी चार लिखते हैं, कभी 16 लिखते हैं। जहाँ जो है वो समझ कर उसकी संदृष्टि समझ में, और अपनी बुद्धि से नई संदृष्टि बना सकते हैं। परंतु टोडर मल जी ने भी नहीं बनाई है। नहीं तो संदृष्टि नहीं बनाए तो विषय हमें समझेगा, परंतु ओरिजिनल ग्रंथ फिर नहीं पढ़ सकोगे, फिर उन संदृष्टियों का अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। इसीलिए ओरिजिनल जो संदृष्टि है उनके अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो किसी विषय अभी संख्या के बदले असंख्या लिखा गया, पर हमें जांचना है वो नक्की कौन सी बात है। तो हमें मूल संदृष्टि अगर देखते हैं तो वहाँ संख्या के बाजू में उसकी साइन भी है, चिन्ह किया है। तो बाय मिस्टेक संख्या का असंख्या हो गए तो वहाँ देख कर हमें पता चले, और उसके गणित में तो पता चल ही जाता है कहाँ क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सी जगह यहाँ पर भी गाथाओं के अर्थ करने में, टीकाओं में, हमने जो प्रतीक फॉलो की थी उसमें बहुत जगह ऐसा कुछ उलट पुलट था। तो मूल संदृष्टि देखकर हमने उसको की, और जहाँ कोई करेक्शन के वो सारे शुरू में लिख दिए हैं 20 पेजेस, तो कहाँ क्या करेक्शन किया उसी की बात। तो ये संदृष्टि बहुत उपयोगी चीज़ है, क्योंकि गणित में 2+2 थोड़े होते, उसमें तो कोई अन्य उत्तर तो आने वाला नहीं है। अभी हम लास्ट वाला एकदम देखेंगे तो लास्ट बट वन समझ सकेंगे। अंतिम स्थिति का भेद कौन सा है तो अंत कोड़ा कोड़ी सा, और वहाँ कांडक का प्रमाण कितना है तो 7 या 8 सागर है, पृथक्व सागर वही लिखा है। देखो अभी लास्ट ट्रायंगल देखो राइट साइड का, नीचे अंको 2 लिखा है, अंत कोड़ा कोड़ी, ऊपर लाइन लिख के साइड में क्या प्रमाण लिखा है 7, 7, 8, यानी 7 या 8 सागर, यानी पृथक्व सागर। उसके पहले वाला स्थिति भेद कितना है, एक समय कम, फिर भी कांडक का प्रमाण उतना ही है 7, 8 सागर। ऐसे करते करते कितनी संख्या भेद दी, यानी कांडक का प्रमाण उतना ही है। अब स्थिति का ऐसा लेना है भेद कि संख्या समय कम कर दे, तो राइट साइड से तीसरा जो कॉलम है उसमें क्या लिखा है, स्थिति कितनी है, अंको 2 माइनस संख्या प्लस 1 माइनस संख्या, ऐसे अलग अलग भेद देखेंगे। तो वहाँ कांडक का प्रमाण भी 1 माइनस हो गया, 7, 7, 8 ऊपर 1 माइनस की साइन कर ले, जैसे हमने 1 प्लस किया यहाँ पर, यहाँ पल्ले का संख्या तो अभाग है और यहाँ पल्ले के संख्या पर हमने 1 प्लस किया। वैसे वहाँ से आते समय वहाँ सागर 7, 8 उसके पहले संख्या भेद बिता कर आए हम, तो वहाँ क्या हुआ, सागर 7, 8 माइनस 1 समय, यहाँ से जाते समय प्लस 1, 1 समय, वहाँ से आते समय माइनस 1, 1 समय, और बीच में बिंदी बिंदी लिखेंगे तो बीच के 1, 1 समय के डिफरेंस के सारे भेद आते हैं, कांडक के भी और सिटी के भी। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा 7 से लेकर 21 तक कंटिन्यूस स्थिति के भेद थे, और कांडक के भेद 1 से लेकर 5 तक सभी 1, 1 से बढ़ते हुए कांडक के भेद। अब यहाँ पढ़ेंगे ऊपर के जो फिगर्स हैं ट्रायंगल की, वहाँ लिखा है अंक संदृष्टि की अपेक्षा, और नीचे के फिगर में लिखा है अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा। ये अपेक्षा वहाँ ब्रैकेट में लिखी है,
मूल में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी, ऊपर की फिगर थी और डायरेक्ट उसके नीचे नीचे की फिगर थी, तो यहाँ इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है ब्रैकेट मेरी ओर से। मूल पुस्तक में दोनों संदृष्टि एक के नीचे दूसरी जोड़कर लिखी थी मैंने, अर्थ समझने के लिए उनकी अपेक्षा लिखकर जुदा जुदा लिखा है, उसके दो अलग अलग कॉलम बनाए हैं, और ऊपर अंक संदृष्टि की अपेक्षा ऐसा अर्थ होता है और अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा उसका ऐसा अर्थ होता है, ये बात। हाँ, यहाँ पर जो आखिर में दो ट्रायंगल दिखा है उसके पहले बिंदी बिंदी नहीं डाली। हाँ, वहाँ बिंदी बिंदी होनी चाहिए। क्यों नहीं पर उसमें अच्छा, क्योंकि उसके पहले वाला कांडक का जो भेद है उसमें तो पृथक पर सागर यानी सात आठ सागर में से एक समय कम किया, यानी जैसे पहले तो मैं बिंदी बिंदी डाली थी वैसे वहाँ पर भी बिंदी बिंदी होना चाहिए। अब हम आते हैं पेज नंबर 492। अभी जो हमने पढ़े दो कॉलम उसी की बात यहाँ समझा है, तो मैंने मेरी भाषा में समझाया, यहाँ तो लिख कर रखा, यहाँ पहले सत्तारूप क्रमहीन प्रमाण युक्त निषेकों की ऐसी संदृष्टि की थी, यानी ट्रायंगल ट्रायंगल बहुत सारे बनाए थे जो हमने 7 से लेकर 21 तक के 15 ट्रायंगल देखे, वो क्या है, निषेकों की ऐसी संदृष्टि थी। स्थिति कांडक में ऊपर के निषेक नष्ट किए और अवशेष नीचे के निषेक रखे, उनके विभाग के लिए बीच में लकीर बनाने पर ऐसी संदृष्टि हुई। हर ट्रायंगल में बीच में एक आड़ी लाइन होती है, उसका तो ऊपर का कांडक कितना कांडक लेके उसको भाग। पुनश्च कैसे स्थिति सत्व में कैसा स्थिति कांडक आयाम पाया जाता है, अपनी भाषा में कितने स्थिति सत्व में कितना स्थिति कांडक आयाम पाया जाता है, यानी स्थिति सत्व कितना होगा तो कांडक का आयाम कितना रहेगा, उसको जानने के लिए ऊपर तो कांडक द्वारा घटाए हुए निषेकों का प्रमाण लिखा, जैसे अंक संदृष्टि में एक 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 दो 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 ऐसा लिखा, और नीचे जो स्थिति सत्व था उसका प्रमाण, यानी कांडक होने के पहले टोटल स्थिति सत्व कितना है उसका प्रमाण नीचे लिखा, यानी 7, 8, 9, 10, 2, 21 तक। वहाँ पहले अंक संदृष्टि द्वारा 7, 8 और 9 समय स्थिति में कांडक आयाम एक समय प्रमाण है, 10, 11 और 12 समय स्थिति सत्वों में स्थिति कांडक आयाम 2 समय प्रमाण है, ऐसे ही अंत तक जाना। अंत में कितना है कांडक आयाम और स्थिति सत्व कितना है लास्ट में आप देख के बोलो, अंतिम ट्रायंगल में नहीं नीचे का नहीं ऊपर, हाँ स्थिति कांडक आयाम 5 है और स्थिति सत्व 21 है। अब अर्थ संदृष्टि की बात, अर्थ संदृष्टि द्वारा संख्यात पल्य मात्र जघन्य स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर के संख्यात वे भाग मात्र उसकी संदृष्टि ऐसी, वहाँ हमने ट्रायंगल में देखी है अंको 2 का अर्थ क्या है अंत कोड़ाकोड़ी सागर, और यहाँ डिवाइडेड बाय 4 यानी संख्यात के लिए यहाँ 4 लिखा उसमें, और उससे एक समय अधिक स्थिति में स्थिति कांडक आयाम पल्ल के संख्या पे भाग मात्र है उसकी संदृष्टि ऐसी, ऊपर प लिखा और नीचे संख्या का चिन्ह बनाया, इसका अर्थ है पल्ल का संख्या का भाग, बीच में एक एक समय अधिक स्थिति सत्व में उतना ही स्थिति कांडक आयाम जानने के लिए बिंदी की संदृष्टि की है, जैसे बिंदी बिंदी लिखे थे ना यहाँ, उसका अर्थ क्या है संख्यात स्थिति भेदों के लिए कांडक का प्रमाण उतना ही। जघन्य से संख्यात समय अधिक की संदृष्टि ऐसी,
जगह में कितना था अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का संख्या का भाग, तो अंको दो डिवाइडेड बाई चार, और उन सब टोटल पर संख्या प्लस किए, यानी संख्या समय अधिक हो, वहाँ तक तो कांड कायम उतना ही था। और इसमें एक समय अधिक स्थिति ऐसी, एक समय अधिक यानी संख्या समय तक तो उतना ही कांड का हुआ, एक समय बढ़ा यानी अंको दो डिवाइडेड बाई चार, प्लस के ऊपर संख्या लिखा है ना, और संख्या के ऊपर और एक प्लस लिखो, ये उसकी चिन्ह है, उसका साइन है। उसमें अभी इसमें कांडक का प्रमाण जघन्य जो था ना, पल्ल्य का संख्या का प्रमाण, उसमें प्लस होना था, उसमें स्थिति कांडक आया जघन्य से एक समय अधिक ऐसा, यानी पल्ल्य के संख्या का अभाव था, उसमें वर्ण प्लस का था। बीच में स्थिति सत्रों के और स्थिति कांडक आयाम के बहुत भेद जानने के लिए, यानी अनेक कांडक हो जाएंगे, कांडक का प्रमाण उतना उतना और स्थिति के भेद संख्या, अगर ऐसे होते 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 तो उसके लिए जानने के लिए बिंदियों की संदृष्टि। अब लास्ट बट वन की उसके बाद संख्या से ही अंतर कोड़ा कोड़ी सागर मात्र स्थिति ऐसी, अंको दो यानी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जो उत्कृष्ट स्थिति, उसमें से कुछ कम संख्या कम, तो उसमें माइनस संख्या माइनस वन लिखा, संख्या करके माइनस वन क्यों, क्योंकि वो सेकंड लास्ट कांड कायम देखना था, इसलिए केवल संख्या माइनस करेंगे तो अंतिम कांड उतना ही होगा, इसलिए संख्या में से भी एक कम कर दो। उसमें एक समय अधिक ऐसी, अंतर कोड़ा कोड़ी माइनस संख्या क्या लिखा, ये ऊपर की जो फिगर है ना, अंतर कोड़ा कोड़ी माइनस संख्या में से एक कम, और उसके नेक्स्ट वाली फिगर कौन सी होगी, अंतर कोड़ा कोड़ी माइनस वन माइनस संख्या माइनस संख्या, ऊपर की जो फिगर है देखो, हम अपनी संख्या देखें, सौ में से संख्या कुछ भी समझा देते, संख्या के लिए 95 समझते, 95 में से और एक कम करो 90, और वो सौ में से घटा दो, और अकेला सौ में से 95 घटा दो, तो डिफरेंस है ना, उल्टा दे छोटी संख्या घटाएंगे, सौ में से संख्या यानी हमको पाँच घटाएंगे तो कितने आएंगे 90, और पाँच में से एक घटा कर उसको घटाना है और एक घटा तो 96 आ जाएगी, कितने समझ, सौ में से घटाकर घटाना है, पाँच में से घटाएंगे तो चार आ जाएगा, तो सौ में से चार घटाएंगे तो कुछ नहीं होंगे 96 होगा, 96 होगा, और अकेले पाँच घटाएंगे तो 95 आएंगे, लिखा में आएगा ऐसे यहाँ लिखा, बाकी बात वो वन माइनस और उसके बाद छोड़ अंतिम कांडक का प्रमाण कितना था तो 7 या 8 साल, और वहाँ की स्थिति भेद कितना था अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, तो अंतिम स्थिति भेद के लिए कांडक का प्रमाण 7 या 8 सागर का पृथक्व सागर, अब उसके संख्यात लास्ट के संख्यात भेद छोड़ दो, उसके पहले वाले भेद की चर्चा करें तो उसमें कांडक एक समय से कम होगा, तो कितना होगा 7 और 8 सागर में से एक समय होगा, वही बात यहाँ बता कि अंको नीचे से दूसरी सम दूसरी लाइन, अंको दो माइनस संख्या ऐसा वाला जो स्थिति का भेद है वो कौन सा है, अंत से संख्या भेद छोड़कर उसके पहले वाले, उसमें एक समय कम पृथक्व सागर प्रमाण स्थिति कांडक आया, लास्ट का जो स्थिति कांडक आया था उसमें एक समय कम था, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सा यानी सागर, 7 या 8 उसका नाम पृथक, और उसके ऊपर वन माइनस की साइन,
कांड का लास्ट बट वन भेद है। यहाँ पृथक की सेनानी यानी चिन्ह सात या आठ जानना, बीच में एक एक समय अधिक स्थिति सत्व और उतने ही स्थिति कांडक आयाम जानने के लिए बिंदियों की सेनानी के, जो हमने अभी वो टेबल पढ़े ना उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। एक कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा, यानी अंकों दो और ऊपर वन माइनस, ये लास्ट बट वन स्थिति का भेद। और संपूर्ण अंत कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा अंकों दो जो अंतिम लास्ट ट्रायंगल में यह लिखा है उसमें स्थिति कांड का आया पृथक को सागर प्रमाण ऐसा सात सात और यहाँ पे खाली यही बात था। हाँ अपन यहाँ बड़े लाइन के ऊपर वन माइनस की साइन लिखी है, नहीं चलता नहीं है। देखो देखो ये जो साइन यहाँ लिखी थी आड़ी लाइन एक लिखकर ऐसे उनकी आड़ी रखी तो वन माइनस, और लाइन करके खाली एक लिखा तो वन प्लस। कहाँ पर वन माइनस किया है ना, वन माइनस की साइन है। फुल लाइन एडिशन की नहीं है, फुल लाइन के ऊपर अकेला एक लिखेंगे तो एडिशन, और फुल लाइन के ऊपर ऐसा उल्टी वाटी के साथ एक लिखे तो माइनस। उसका अर्थ पूरी फिगर में से क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, खाली फुल इसके अर्थ एडिशन नहीं है। इसके ऊपर क्या लिखते हैं, कोई अंक लिखते हैं वो प्लस करना है कि माइनस करना, आगे कुछ नहीं तो इन्हें यह प्लस हुआ, और आगे ऐसे ये बाकी काम दो उल्टी तो माइनस। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया, लिखना तो है नहीं यहाँ तक के। अब आगे देखते हैं, ये हम आए हैं 493 पृष्ठ। अपूर्व करण की आदि में प्रथमोक्षम संयुक्त का प्रकरण चल रहा है, अपूर्वकर्म के स्टार्टिंग में आदि में नहीं शुरू में। स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी सागर, जो प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुआ था यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, अरे कुछ कम हुआ फिर भी उतना ही। उसका कथन क्या होगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और स्थिति बंद एक है शब्द स्थिति सत्व, यानी सत्ता में कितने निषेध पड़े हैं, और ये नया शब्द क्या है स्थिति बंद, यानी यहाँ बंद भी हो रहा है, कौन से सभी कर्मों का भी यहाँ बंद चल रहा है, मिथ्या दुग्ण स्थान चल रहा है ना, उसके योग्य यहाँ कर्म भी बंद रहे हैं। तो नया जो बंद हो रहा है वो कितना हो रहा है कि जितनी सत्ता में कर्म है पड़ा उससे अधिक है कि कम है, तो कहते उसके कम है संघनात्मा भाग प्रमाण। अभी तो अपूर्वकर्म में आ गया, प्रायोगिक लब्धि से ही स्थिति सत्व तो घटाया था कांडकघात के द्वारा, नया नया जो बंद होता है वो तीन हो गए। यहाँ पर भी क्या लिखा, स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और स्थिति बंद उसके यानी अंत कोड़ा कोड़ी सागर के संघात के भाग मात्र है, उसकी संदृष्टि ऐसी। तो अंकों दो का अर्थ होता है अंत कोड़ा कोड़ा है, तो उसका स्थिति बंद उसका संख्या, तो यहाँ संख्या के लिए चार की चिन्हनी बताएं, तो अंकों दो को चार से भाग दिया। और जहाँ जघन्य स्थिति कितनी होगी, अंकों दो बाय चार, अभी हमने देखा था पहला ट्रायंगल, तो वहाँ बंद उससे भी कम होगा, तो उसके भी संख्या के भाग प्रमाण वहाँ का बंद होगा। किसी की स्थिति ज़्यादा है उसका स्थिति बंद उसके संख्या पे भाग, और किसी की स्थिति जघन्य है उसका नया स्थिति बंद उसके भी संख्या पे। तो ऐसे टेबल बनाए यहाँ, और उसका अभी अर्थ हम नीचे लिखते हैं। यहाँ संख्या की संदृष्टि चार का अंतर है, चार का अर्थ केवल चौथा भाग नहीं समझना, यथा योग्य संख्या जो कुछ होगा। इस तरह स्थिति कांडक विधान में संदृष्टि जानना, क्योंकि कांडक के सारे ट्रायंगल देखे और वहाँ स्थिति के भेद भी।
वहाँ नया स्थिति बंध कितना है उसको भी देख लिया। आगे देखते हैं, देखो यहाँ ऊपर जो आपने ये बनाया उसके ऊपर कुछ और डाल दे, या हमको दो लिखा है उसके ऊपर सीधे सत्ता लिखे और दो आपके लिए बंद लिखे फिर वापस सत्ता लिखे फिर आगे ये उत्कृष्ट सिटी है और उसके लिए बंद सिटी बंद कितना है और ये जघन्य सिटी है और उसके लिए सिटी बंद कितना है। इन्हें पहला जो हमको दो लिखा है ये क्या है उत्कृष्ट सिटी और उसके ये स्थिति सत्व है ना हाँ। और सेकंड है वो बंद स्थिति बंद उसके लिए स्थिति बंद कितना है और किसी के स्टार्टिंग में ही अपूर्वकरण के आदि में ही जघन्य स्थिति सत्व इतना है हमको दो डिवाइडेड बाय चार और उसके लिए स्थिति बंद कितना है उसके भी संख्या त्रिवार यानी पहला कॉलम में उत्कृष्ट स्थिति सत्व का दूसरा कॉलम है उसके लिए स्थिति बंध कितना हो रहा है तीसरा कॉलम है जघन्य स्थिति सत्व का और चौथा कॉलम है उसके लिए स्थिति बंध कितना हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमने स्थिति कांडक की बहुत विस्तार से चर्चा की। अब लिखते हैं अनुभाग कांडक व्याख्यान में जैसे अपूर्वकरण से स्थिति कांडक भाग शुरू होते हैं वैसे अनुभाग कांडक भाग भी होते हैं। अनुभाग तो स्पर्धकों में लिखते हैं और स्पर्धक अनंत होते हैं। स्थिति का कांडक तो हमने अभी देखा तपल्य का संख्या प्रभाग प्रमाण होता है परंतु अनुभाग का कांडक तो अनंत बहुभाग प्रमाण होता है उसकी बात हम पढ़ेंगे। अनुभाग कांडक व्याख्यान में ये गाथा 78 की टीका से लिया जघन्य वर्गणा को स्पर्धक शला का ऐसी इसका अर्थ मैं बताऊँ और नाना गुणहानी ऐसी स्पर्धक शलाका के लिए 9 लिखा स्पर्धक शलाका का अर्थ होता है एक गुणहानि में स्पर्धकों की संख्या और नाना गुणहानि का अर्थ होता है ऐसी गुणहानियाँ कितनी है नंबर ऑफ टोटल गुणहानियाँ गुणहानि किसको कहेंगे तो इसके लिए वर्ग वर्गणा स्पर्धक की बात होगी समझना समझेंगे आप हाँ समझेंगे तो कल आपका विषय आपको आसान हो जाएगा। देखो जब हम अनुभाग की बात करते हैं कर्मों में अनुभाग की चर्चा करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है शब्द कौन कौन से आते हैं तो वर्ग का अर्थ होता है परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है विशिष्ट उसको समझाने वाला वो शब्द उसको कहेंगे वर्ग वर्ग को हम बोल लेते हैं उसका अर्थ क्या है विशिष्ट अनुभाग युक्त परमाणु तो जिनमें जिनमें समान अनुभाग होते हैं ऐसे परमाणु अलग अलग परमाणु है उनको हम एक लाइन में लिखेंगे। मान लेते इसका सौ का सबका सौ 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 तो उस पूरी को हम कहेंगे वर्ग एक परमाणु को हमने वर्ग कहा वैसे हर वर्ग में समान समान है उसको हम एक लाइन में दिखाएंगे उसको हम वर्गणा कहेंगे। हम मान लेते उसका अनुभाग कितना है तो 100 डिग्री है ना सौ अभिभाग होते तो अनंतों में है। फिर अभी दूसरी वर्गणा यहाँ परमाणु कैसे है तो कहते इसमें 100 100 थे ना तो इसमें 101 वाले सारे उनके एक ग्रुप बनाए तो ये दूसरी वर्गणा फिर तीसरी वर्गणा चौथी वर्गणा ऐसे अनंत वर्गणा होती एक एक से बढ़ती हुई 100 101 102 103 100 एक एक से बढ़ते हुए अनंत होने के बाद फिर उसमें गैप होती है और फिर ओरिजिनल कितना था ना ये गैप छोड़कर ऊपर चले जाएंगे तो ये 200 से फिर 201 202 कंटिन्यूस चले गए फिर गैप फिर डायरेक्ट 300 पर चले जाएंगे मान लेते ना 100 से लेकर 120 तक कंटिन्यूस तक फिर डायरेक्ट 200 वाली तो यहाँ का एक स्पर्धक ये दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक यानी यहाँ 100 है दूसरे स्पर्धक के स्टार्टिंग में 200 है तीसरे स्पर्धक के स्टार्टिंग में 300 है इस तरह से ये तो अनुभाग की बात है। अब एक एक वर्गणा में जो नंबर ऑफ परमाणु है
पहले में ज़्यादा है, दूसरे में थोड़े कम है परमाणु, तीसरे में थोड़े कम है परमाणु की संख्या की अपेक्षा इसमें कोई गैप नहीं होता, वो कंटिन्यूस थोड़ा 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 ही होते चले जाते। तो जहाँ जाकर मान लेते यहाँ 1 लाख परमाणु है और जहाँ जाकर 50,000 हो जाते हैं, उस यानी कितने होंगे, आधे हो गए ना, 2 गुणाहीन हुए, इसको कहेंगे गुणाहानि। तो जितने समय जाके जितने वर्गणा जाकर वो आधे हुए, वर्गणाओं को नहीं गिनेंगे हम, स्पर्धकों में गिनेंगे। तो अनंत स्पर्धक जाने पर परमाणुओं की संख्या आधी होती है वर्गणा वाली, तो उन सबको मिलकर कहेंगे गुणहानि, यानी एक गुणहानि में इतने स्पर्धक हैं। हमने क्या देखा था, एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक होते हैं, और ऐसे गुणहानि भी अनंत होती हैं। तो एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उसको यहाँ 9 संख्या लिखी है, स्पर्धक शाला का 9 है, और नाना गुणहानि नंबर ऑफ गुणहानि के लिए 9 लिखे हैं। तो एक गुणहानि में इतने स्पर्धक और इतने सारे गुणहानि, तो हमें टोटल स्पर्धकों की संख्या निकालनी है, तो 9 गुणे 9 होगा, तभी हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक कितने होंगे, 9 गुणा 9, मान लेते डायरेक्ट यहाँ 9 है और वो कितने 6 है, 9 से 54 हो गए, 54 स्पर्धक हो गए, और एक एक स्पर्धक में इतनी इतनी वर्गणा, तो उसको उससे गुणा करेंगे। या हमें देखो ना, यहाँ 100 है तो दूसरे में 200 है, तीसरे में 300, चौथे में 400 है, तो 54 हो गए, तो 54 हो जाएगी ना, यही कहते हैं जघन्य वर्गणा को ये 9 ना से गुणा करेंगे, अंतिम गुणाने की प्रथम वर्गणा। जैसे ये यहाँ 100 है पहले हो, तीसरे में 300 हो गए, 9 हो गए तो 900 हो गए, तो हमारे पास कितने हैं स्पर्धक, 9 × 9, तो जघन्य वर्गणा को 9 × 9 से गुणा करेंगे तो अंतिम वर्गणा, अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गणा है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे दोबारा। देखो यहाँ क्या लिखा है, अनुभाग कांडक व्याख्यान में जघन्य वर्गणा को यानी पहली वर्गणा को स्पर्धक शला का 9, ये उसकी संदृष्टि है, नाना गुणहानि ना, इनसे गुणा करने पर अंत गुणहानि की प्रथम वर्गणा होती है। अभी उसके लिए अंत संदृष्टि कैसी करना, क्या करना, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, अभी तो हम यही रुकेंगे, क्योंकि ये नया विषय है ना अनुभाग का, उसको स्पर्धक शाला का यानी एक गुणहानि में नंबर ऑफ स्पर्धक के लिए उसको यहाँ 9 लिखे, वो ओरिजिनल में होते आनंद है, परंतु ये उसकी संतुष्टि बना, रुकेंगे अभी हम यहाँ।